नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। दोस्तों, आज आपके लिए 150 गज की 27 फुट फ्रंट है और 50 फुट डीप एक कोठी। फ्रंट ही इतना खुला है, इतनी मर्जी बड़ी गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो, उसके बाद टू व्हीलर खड़ी कर लो और स्टोरेज नीचे भी, सीढ़ियों के नीचे भी, बाहर से एंट्री, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे इस तरफ भी बहुत सारा खुला एरिया और यहाँ पे कम से कम 2000 से ऊपर लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, ताकि अगर किसी कारणवश पानी नहीं आएगा तो 3-4 दिन का पानी आपका स्टोरेज रहेगा। यहाँ पे ग्लास है, टोटल का टोटल वेंटिलेशन है, ये सारी ऊपर से नीचे आपकी LED लाइटिंग लगी हुई हैं, एलिवेशन बहुत सुंदर बना हुआ है और अंदर से तो क्या बात है। सबसे पहले फ्रंट में ये सारी की सारी टाइल लगी हुई हैं, इस तरफ ये डिज़ाइनिंग है सारी की सारी जो आजकल ट्रेंड में चलती है, वुडन यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है और दरवाज़ा काफ़ी शानदार है, जाली वाला दरवाज़ा अलग से है, इसमें ग्लास भी लगेगा, जाली भी लगेगी और ये 8 फिट का और 3.5 फिट चौड़ा दरवाज़ा आपकी मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए अंदर आते हैं। अंदर आते ही सामने एक बड़ा सा LED पैनल आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ की पूरी वॉल ही कवर कर रखी है। यहाँ पे स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी, ये अभी उतारने वाला है, मतलब सनमाइके के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ वो लगा हुआ है। इस तरफ गोल्डन शेड का पूरा वॉलपेपर है, बहुत लंबा ड्राइंग डाइनिंग है, मतलब पूरे का पूरा किंग साइज़। तो यहाँ वेंटिलेशन है, ऊपर फॉल सीलिंग ऑलरेडी हो रखी है। तो अगर यहाँ पे हम चौड़ाई की बात करेंगे तो तकरीबन इस तरफ 15 फिट बाय 12 फिट का हमारा सेपरेट ड्राइंग रूम बन जाएगा यहाँ पे, और इसकी पार्टीशन कर देंगे तो लगभग इतना ही हमारा डाइनिंग एरिया भी बच जाएगा। उसके बाद आती है किचन, क्योंकि अभी फिनिशिंग चल रही है, किचन में वुडवर्क कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी सी फिनिशिंग है। यहाँ पे जो एक्सेसरीज है ये लेटेस्ट है और साथ में यहाँ पे एक ये वाली जो चीज़ आजकल क्रॉकरी के लिए अलमारी लोग कहते हैं कि सर हमें ये भी चाहिए, तो बड़े घरों में ये भी हैं। और ये पार्टीशन है यहाँ पे किचन की बाहर से, इसके अंदर भी लाइटिंग लगा के इसको भी बहुत सुंदर बन जाएगा। एक्सेसरीज थोड़ी नज़र में आते हैं आपको कि जो किचन की एक्सेसरी है ये भी बहुत शानदार है। ये जो ऊपर डोर क्लोजर हैं ये भी सॉफ्ट हैं और ये तो आपको बताया ही है कि पार्टीशन यहाँ पे हो रखी है। अब ये जो पार्टीशन बाहर से भी आपको दिखा दें, ये वुडन पार्टीशन है सारी की सारी। अब इसके बाद आता है रूम नंबर 1। एंट्री के ऊपर पूरी की पूरी LED लाइटिंग है और ये LED लाइटिंग छत की है और छत से इस तरफ ये बेड यहाँ पे तैयार हो रहा है और बेड के इस तरफ भी आपको जगह मिलेगी, इस तरफ भी जगह मिलेगी और ये जो स्लाइडिंग आपको कवर मिलेगी इसमें फुल स्पेस आपको मिल रही है और अटैच वॉशरूम मिल रहा है और वॉशरूम में भी तकरीबन हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वेंटिलेशन पीछे से है, तो सामने इसका अब LED पैनल है, तो जो LED पैनल लग रहा है वो भी पूरा हाफ वॉल कवर करके बनाया हुआ है। तो ये भी नीचे आपको स्टोरेज देंगे, नीचे भी आपको शू रैक मिल सकते हैं, ये ड्रॉज हैं और ये जो बेड यहाँ तैयार हो रहा है ये भी किंग साइज़ का हो रहा है और ये ड्रेसिंग है, ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में भी आपको पीछे वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी और पीछे वॉशिंग एरिया है। इस तरफ आपका ये बेडरूम का साथ में अटैच वॉशरूम है, इसमें भी अच्छी क्वालिटी का सामान लगा हुआ है। ये फुल लेंथ यहाँ पे अलमीरा है, ऊपर भी स्टोरेज है और नीचे भी स्टोरेज है और ये पूरे यहाँ पे जो अलमीरा है ये खुलने वाला बनाया गया है, ये स्लाइडिंग है वो नहीं है। तो इसमें इस तरफ नीचे से ऊपर तक ये आपका LED पैनल लगा हुआ है और LED लाइटिंग भी लगी हुई है। वॉलपेपर दीवार पे इस तरफ डिफरेंट है, उस कमरे से डिफरेंट है, ये खुले स्पेशियस रूम है और पीछे का दरवाज़ा भी 8 फिट ऊंचा है। अब हमने यहाँ आपको दिखाया ड्राइंग रूम, सामने आपको दिखाया किचन और इस तरफ एक बेडरूम और ये 2 बेडरूम। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बाहर से सीढ़ियाँ हैं रेंटल पर्पज़ के लिए, ये ग्लास में फिल्मिंग कर रखी है और सामने भी कोठियाँ हैं, इस तरफ भी ये डिज़ाइनिंग दे रखी है वुडन की, बाहर भी बालकनी में
और ये ऊपर भी एलईडी है और बीच में पीओपी में ये डिज़ाइन करा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी लुक देता है। पूरी की पूरी टाइल लगाई है ताकि ना कोई सीलन ना कुछ और हो, और ये 8 फिट का दरवाज़ा भी चमके मार रहा है, पूरा अभी पेंट किया है, तो इसमें भी फॉल सीलिंग है ऊपर वाले खुले हॉल के अंदर, और सामने ओपन किचन है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे भी किंग साइज की किचन दी गई है, इसमें भी पूरा स्टोरेज का ख्याल रखा गया है, तो ये भी आपको देख के अच्छा लगेगा क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी पूरी फैमिली रह सकती है। और यहाँ पे भी आपको ये वाला एक बेडरूम मिल रहा है, पीछे वेड़ा मिल रहा है। अब इस बेडरूम में चलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है फॉल सीलिंग, तो ये बेड के नीचे आएगी जैसे नीचे वाले बेडरूम थे। फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स हैं, साथ में ड्रेसिंग है, और इस तरफ एलईडी पैनल है, यहाँ पे एलईडी पैनल छोटा है, विंडो है पीछे से एसी के लिए प्रोविज़न है, और ये वॉशरूम है जिसके अंदर जैसे फिटिंग नीचे थी सेम फिटिंग नीचे करी हुई है, और इसकी भी वेंटिलेशन पीछे से है। तो ये आ गया रूम नंबर फर्स्ट फ्लोर का। सामने रूम नंबर 2 आएगा, इसके अंदर भी ऊपर फॉल सीलिंग है, पीछे दोनों तरफ बेड के यहाँ पे अलमीरा बन रही हैं और बीच में बेड तैयार हो रहा है, तो बेड भी यहीं तैयार होगा, और ये पीछे का जो टेक्सचर है यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी दिल खोल के पैसा लगाया जा रहा है, और लेना भी आपसे ही है। और ये जो एलईडी पैनल है ये भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है, और यहाँ से आपको बाहर से वेंटिलेशन लाइट आएगी दोनों। तो ये शानदार बेड आपके लिए बन रहा है, वैसे तैयार रखें, आपने ही लेना है। तो ये इस बेडरूम का एक ये वॉशरूम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉशरूम है जो उस वाले बेडरूम का अटैच नहीं है लेकिन अलग से है, और यहाँ पीछे वेड़ा है, छत पे आने के लिए टाइल लगी हुई हैं, एक टैब दी गई है यहाँ पे, कनेक्शन दिया है कि कपड़े धोने के लिए, सीढ़ी ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए चढ़ा दी है, और ये वेड़ा यहाँ पे आपका आपको मिलेगा। और पड़ोसी पीछे घर बना हुआ है, इस तरफ घर बना हुआ है, सेफ्टी पूरी की पूरी है आपकी, तो यहाँ पे भी स्पेस है। तो 27 फुट बाय 50 फुट का 150 गज का बना हुआ प्लॉट, उसके ऊपर ये शानदार 2 BHK नीचे, और सेम 2 BHK आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल रहा है। तो डबल स्टोरी कंप्लीट कोठी आपको मिल रही है जिसके अंदर ही बेड तैयार कराए जा रहे हैं, इसके अंदर ही अलमीरा तैयार कराई जा रही हैं, और वुड वर्क तो शानदार हो रहा है। आप आते ही कहेंगे जी बहुत शानदार काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमें ये कोठी लेनी है। अब 150 गज का मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इस कोठी का जो प्राइस है वो बहुत वाजिब रखा हुआ है। तो रेट की बात करें तो 8890 इसका प्राइस है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको बहुत ज़्यादा जिद करने पर मिल सकता है, जो कि हमारी नेचर है, हम करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत आप मान के चलें, लेकिन काम जब आप यहाँ आके देखोगे तो शानदार होगा, वाओ फैक्टर आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी काम की होगी। जिन लोगों का बजट 8890 नहीं है वो भी निराश ना हो, हमारा वेबसाइट है हमारी propertymallchd.in, आप उस पर जाएं, वहाँ पे अपना बजट क्लिक करें, और आपको सिर्फ आप अपने बजट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी महंगी लग रही है, तो हमारी वेबसाइट पे आएं, नीचे एड्रेस चल रहा है www.propertymallchd.in। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।